नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली की आदर्श नगर विधानसभा में राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ के नाम से मजदूर यूनियन का ऑफिस है। यह ऑफिस आजादपुर के कमर्शियल कम्प्लेक्स के गुप्ता टावर व अमर टावर में स्थित है। यहां पर मजदूर यूनियन के द्वारा मजदूरों के लेबर कार्ड बनवाए व रिन्यू करवाए जाते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन के बीच में लेबर कार्ड धारी व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की विभिन्न घोषणा की गई। बिना रजिस्टर्ड लेबर को वे सहायता नहीं मिल पाती, इसीलिए लॉकडाउन खुलने के बाद भारी संख्या में लोग इस ऑफिस में पहुंचे। यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब हमारे साथी संवाददाता ने लोगों से बात करी तो लोगों के द्वारा यहां पर भारी घोटाले का आरोप लगाया। लेबर क्लास के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और जागरूक भी कम होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। आइए आपको सुनाते हैं यहां पर आई पब्लिक ने क्या कहा। क्या समस्या हुई आप लेबर कार्ड को लेकर यहाँ आए? क्या मतलब समस्या में दो साल रेनू ने करवाया था, रेनू करवाने आया, फिर ये 800 रुपया लिया, फिर बोला जो अशोक विहार में जमा करो, अशोक विहार में जमा करी, तकर बाद में फिर एक बोला जो पैसे आ जाएगी आपके, मैं दूसरे लोग का आ गई, मेरे पैसे आई नहीं। तो क्या लग रहा है 800 रुपया लिए हैं उसके बाद में आपको कोई पर्ची उर्ची दिए है? पर्ची है, फार्म दे रखी है, ये फार्म समय लेबर ऑफिस में जमा करियो अशोक विहार में। अब यहाँ आप लोग आए हुए क्या कहना चाहते हैं उनसे, बात भी क्या बोलते हैं? क्या बोलने चाहते हैं? बोलता तो नहीं आया है, सबको आ गया वही बात। पैसा बहुत पैसा लूट लिया, ये तो 300-400 आ गया। अरे यार, अरे रुक जाए, 400 ये लिए खींचो, लिखा है कहीं 50 रुपये। सर में इसमें भी लिए थे और इसमें भी, अलग अलग कैसे ले रखे हैं? सर हमें तो कुछ नहीं है, बस बन के आ जाए, हमें कोई दो हमने पैसे दे के मारे डूबे और देखो किराए लगा के आया भी साली को पकड़े खींच के मारेंगे। चलो भैया तुम यार बताओ पब्लिक का है। प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप जी क्या समस्या हुई लेबर कार्ड के लेकर? 2021 में लेबर कार्ड बनवाया हूँ, 800 रुपये दे गए, ठीक है, अकाउंट नंबर इन्होंने अपना डाल लिया, ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा, इसका मैंने कंप्यूटर से ये निकलवाया हूँ पेपर, मेरा अकाउंट जानबूझ के इन्होंने गड़बड़ कर रखा है। पहले मेरी बात सुनो, ये पेपर जानबूझ के गड़बड़ कर रखा है, ठीक है। अब आने के बाद इनको 500 रुपये और दूँ मैं, 1000 रुपये पहले दिया है, कहाँ से दूँ भाई? अब आप लोग ऑफिस में आए, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आप 500 रुपये दो, कोई बात नहीं करना, बस। क्या नाम है ऑफिस वाले का? क्या नाम है? मेरा बैंक ऑफ टावर, इस पर लगाओ, इसे सामने गुप्ता टावर। गुप्ता टावर में है क्या? वो जो व्यक्ति लिया है पैसे उसका नाम क्या है पता है? सुबह आप आओ, यहाँ पे लेने वाले ही बैठे हैं, दुनिया भर के लेने वाले ही है, काम करने वाला कोई नहीं है। सुबह आइए आप 8 बजे के बाद आइए, सारे दिन इनका मेन निम्नी है। चलो वहाँ भी बंद है, बड़े सर्कल पर यहाँ ये लोग ठगाई कर रहे हैं, यहाँ से इनकी लेडीजें चारों तरफ कॉलोनी में घूमती हैं, उसके पश्चात वहाँ पे 300-400 रुपया लेती है फार्म भराई का, उसके बाद वो फोन करते हैं आ जाइए तुम्हारा लेबर कार्ड अप्रूवल हो गया और वहाँ पे मतलब फॉर्म भरा जाइए। फिर यहाँ पे जब लोग आते फिर यहाँ पे 400 रुपया फिर लेते, उसके बाद फिर तीसरी बार फिर मिलाते, फिर 500 रुपया लेते, लेकिन उस पर पूरा काम करके नहीं देते, खाता नंबर डाल के नहीं देते, EFT कोड डाल के नहीं देते, जिससे उसका बेनिफिट मिल सके। ये यहाँ पे चक्कर काटते रहते और ये पैसे ठगते रहते, हर दोबारा जब रिन्यू कराते तो कम से कम 750 रुपये लेते रिन्यू कराई के, और फिर भी उनका काम करके नहीं देते, मजदूर बेचारे इधर उधर घूमते रहते और धक्के खाते रहते। भंडारा लेने काम करते हैं उसमें
कंपनी का पूरा काम हो गया, उसमें तो पूरा लोडिंग वोडिंग करते हैं हम, करते ही नहीं पहले। मेरे मैंने बड़ी सी गाड़ी में बैठी हूँ, हमारी इन्होंने गाड़ी नहीं पढ़ाई है, जो भी है पैसे दे दो भाई, सही बात है।